अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो, आपको नज़र आ रही है जिसके बारे में आज की वीडियो है। तो वीडियो के स्टार्ट में आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखे होंगे, तो वीडियो के नेक्स्ट चल के आपको प्रॉपर एक सिनेमैटिक व्यू नज़र आएगा मोटरसाइकिल का। और हम आज रिव्यू कर रहे हैं अपनी नई मोटरसाइकिल को जो कि हमारे घर कल आई है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह के मज़े के रिव्यूज़ आपको इन फ्यूचर मिलते रहे। अब शुरू करते हैं कि मोटरसाइकिल ये परचेज़ कैसे की मैंने। इससे पहले जो मैं मोटरसाइकिल चला रहा था वो 70 CD 70 82 मॉडल था, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका था। और मेरा जो डेली का रूट है वो तकरीबन 44 किलोमीटर्स बनता है, 22 किलोमीटर आना 22 किलोमीटर जाना। तो रफ़ रूट पे चल चल के मोटरसाइकिल काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब हो चुकी थी, और डेली बेसिस पे आप ये समझ लें कि उस पर खर्चे हो रहे थे, यानी कि अभी हफ्ते पहले उस पर 4000 का खर्चा किया है। तो मैंने कहा जी एक ही कड़वा घूंट भरें और मोटरसाइकिल एक परचेज़ कर लिया जाए। अच्छा, पर्सनली ब्लैक कलर जो है वो बाइक्स में काफ़ी पसंद है, और ये बस अल्लाह की तरफ से एक मिरेकल हुआ कि जो बाइक जिससे मैं परचेज़ की है तरफ से उसके पास भी ब्लैक कलर ही था। ये हुआ इस तरह से कि मुझे जब मैंने सोचा बाइक ख़रीदने का तो मैंने पापा से डिस्कस किया, उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात की, तो उस इत्तफाकन उसका भाई बाइक सेल कर रहा था, तो उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मुझे चाहिए थी बाइक, तो हमारा कुछ कनेक्शन बना ऐसा। उन्होंने मुझे पिक्चर्स व्हाट्सअप की, मैंने देखी तो मैंने पसंद, मुझे यानी कि पहली लुक में ही पसंद आ गई क्योंकि ब्लैक कलर था, ऊपर से 22 मॉडल था, और तीसरा ये कि प्राइस काफ़ी मुनासिब थी। अगर इन फ्यूचर आप भी बाइक लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से और ओलेक्स, ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ से बाइक बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि ये दो ऐसी जगह हैं जहाँ फ्रॉड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इससे बेहतर है कि आपकी फैमिली में कोई बंदा या आपका कोई दोस्त या कोई जानने वाला अगर बाइक सेल कर रहा है तो आप उसको फोकस करें, मार्केट और ओलेक्स से ख़रीदने से बहुत बेहतर है ये, क्योंकि जानने वाला मेरे ख्याल से कभी भी कोई गलत चीज़ आपको नहीं बेचेगा, क्योंकि इसे पता कल को ख़राब हुई तो वो वापस भी आ सकती है। लास्ट में बारी आती है उस सिनेमैटिक शॉट की जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था। मैं इससे परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ट्राई की है एक अच्छा सिनेमैटिक शॉट बनाने की, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में आके अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो एंजॉय योर वीडियो।